खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां पर किसानों की बिखरी हुई जमीनों को स्वैच्छिक चकबंदी से एकीकृत करने के लिए कृषि विभाग ने सराहनीय पहल की है। और इसके तहत ही कृषि विभाग ने ग्रामीणों से चकबंदी के लिए स्वैच्छिक प्रस्ताव भी मांगे हैं, जिसके चलते इस योजना के तहत छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को एक स्थान से जोड़ा जाएगा, जिससे खेती करना आसान होगा। और आपको बता दें, कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा किसानों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने और आजीविका बढ़ाने में सहायता भी मिलेगी। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में चकबंदी के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की खास रिपोर्ट। इसमें जनपद अल्मोड़ा के समस्त कृषकों से हमने स्वैच्छिक चकबंदी के तहत प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसमें किसी गांव में कृषकों की जो ज़मीन होती है, सामान्यतः वो बिखरे हुए खेत में रहते हैं, अलग अलग जगह पर उनके खेत होते हैं। स्वैच्छिक चकबंदी में सभी कृषकों की जो जितनी भी ज़मीन है उनको एक जगह पर चेक के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें जो प्रस्ताव है, सभी उस चेक के जितने भी कृषक हैं सबकी सहमति वाला आवेदन पत्र उनको देना होगा, जिसको हम लोग शासन स्तर पर प्रेषित करेंगे अपने स्तर से। प्रस्ताव भी अपने मांग रखें, कोई इसकी डेडलाइन अभी डिसाइड नहीं है, जब भी वो देंगे तो उसके बाद हम उसको भेजेंगे।